वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज गाड़ी है हमारे पास सफारी डाइकोर 2.2। तो गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मीटर पर सारी लाइटें हमारी कंटिन्यू आ रही हैं। ये लाइट हमारी चेक लाइट भी आ रही है और मीटर की लाइट भी आ रही है। तो गाड़ी स्टार्ट हमारी नहीं हो रही है, तो सेल्फ लगा के दिखाते हैं। तो गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं। सबसे पहले स्कैनर लगा के डीटीसी देखेंगे कि गाड़ी में डीटीसी कौन सा आ रहा है इसमें। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं सबसे पहले। तो गाड़ी की ऑलरेडी वायरिंग चेक हो चुकी है, तो स्कैनर लग चुका है। और गाड़ी में हुआ क्या, गाड़ी में HLA गाड़ी के टूट गए थे। तो HLA टूटने के बाद में गाड़ी में HLA नए डले। HLA नए डलने के बाद फिटिंग हुई, फिटिंग होने के बाद में ये प्रॉब्लम गाड़ी में आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिखाते हैं इसमें DTC क्या आ रहा है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी की सारी वायरिंग चेक हो चुकी है, सारा सिस्टम चेक हो चुका है, मगर गाड़ी अभी क्लियर नहीं हुई है। तो इसमें दिखाएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम कहां पर है। तो टाटा इंडियन डायग्नोस्टिक, महिंद्रा व्हीकल सिलेक्शन, सॉरी मैन, ये हमारी व्हीकल एलटीटी व्हीकल और सफारी डीजल 2.2 इंजन रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड्स, इसमें एयर मार्क सेंसर का कोड आ रहा है, इंटेक एयर टेम्परेचर का कोड आ रहा, सर्किट हाई क्योंकि इसकी वायरिंग की सॉकेट निकली हुई है। तो जो मेन कोड हमारा है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट, ठीक है, एक ये कोड हो गया और एक कोड हमारा हो गया कैम शाफ्ट पोजीशन ए सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कोड हमारे टेम्परेरी में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन कोड को क्लियर करते हैं, जो कोड वापस से बचेगा उस कोड पर काम करेंगे। क्लियर, तो नो फॉल्ट डाटा। तो गाड़ी में सेल्फ लगा के देखते हैं। और चेकलाइट जो आ रही थी, चेकलाइट अभी जा चुकी है, तो सेल्फ लगाएंगे तो चेकलाइट वापस से आ जाएगी। ये चेकलाइट वापस से आ चुकी है। चेकलाइट जा चुकी है, सेल्फ लगाएंगे चेकलाइट हमारी चालू हो जाएगी। वो आ चुकी है चेकलाइट हमारी, ठीक है, चेकलाइट आ चुकी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चाबी ऑन करो, चेकलाइट आके चली जाएगी और जब सेल्फ जैसे ही मारेंगे तो चेकलाइट हमारी आ जाएगी गाड़ी में। अभी चेकलाइट नहीं आ रही है, वो चेकलाइट आ चुकी है, चेकलाइट आ चुकी है, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। और वापस से कोड दिखाएंगे, इसमें कोड DTC क्या आ रहा है। तो KM साफ पोजिशन सेंसर ए सर्किट, ठीक है, P0340 कन्फर्म कोड है हमारा, ठीक है। और इस कोड को जैसे ही क्लियर करते हैं, ये कोड हमारा टेम्परेरी में चला जाएगा, स्टोरी में चला जाएगा। तो कोड क्लियर करते हैं, अगर कोड क्लियर भी नहीं करते, चाबी ऑन करके ऑफ करके ऑन करते हैं तब भी ये कोड हमारा, जब भी करंट में आ रहा है कोड, ये कोड हमारा स्टोरी में चला जाएगा। तो दिखाते हैं चाबी ऑफ करके, तो चाबी ऑफ हो चुकी, ऑन हो गई, ठीक है। तो अभी करंट दिखा रहा है ये, तो बैक आके वापस रीड फोल्ड कोड करेंगे। तो डिवाइस हमारी वापस से बैक आ चुकी है, तो फिर दोबारा से डायग्नोस करते हैं। व्हीकल सिलेक्शन सफारी डीजल
2.2 सिस्टम सिलेक्शन इंजन रीड फोल्ड कोड। तो अभी केम सेंसर का कोड चाबी ऑफ करके ऑन करिए, चाबी केम सेंसर का हमारा कोड गाड़ी में जा चुका है, ठीक है। तो सेल्फ लगाएंगे कोड वापस से, कोड रिटर्न आ जाएगा। इसमें एयर मार्क सेंसर के 3 कोड पड़े हैं, ठीक है। तो सेल्फ लगाते हैं गाड़ी में, और चेक लाइट जो हमारी है अभी चेक लाइट भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो सेल्फ लगाएंगे और चेक लाइट वापस से आ जाएगी, वो चेक लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो वापस से दोबारा स्कैन करके दिखाते हैं, ये कोड हमारा कंफर्म में आ चुका है, केएम साठ पोजीशन सेंसर ए सर्किट, ठीक है। तो दिखाते गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी में हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। HLA डल चुके हैं, गाड़ी की टाइमिंग सेट हो चुकी है, और ये रहा हमारा केएम सेंसर, ये रहा हमारा केएम सेंसर। तो केएम सेंसर में सबसे पहले वोल्टेज दिखाते हैं कि इस पर केएम सेंसर पे हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो केएम सेंसर को ऑलरेडी खोल लिया है, तो ये रहा केम सेंसर हमारा। तो इसमें दिखाते हैं सबसे पहले वोल्टेज 5 वोल्ट हमारे रेफरेंस वोल्टेज और सिग्नल वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें 5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा साइड वाला ग्राउंड का, और ये हो गया हमारा दूसरा वायर, तो इसमें भी 5 वोल्ट करंट आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो वायरिंग हमारी परफेक्ट है। तो इसमें नया सेंसर डाल के देखते हैं, दूसरा सेंसर तो कहाँ है, सेंसर ये रहा हमारा पुराना सेंसर, ठीक है। तो सेंसर को चेंज करते हैं अब, ये हमारा नया सेंसर, तो इसको लगा के देखते हैं कि जो कोड वापस से आ रहा था और सेल्फ लगाने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो सेंसर को कसते नहीं है, सेंसर को ऐसे लगा देते हैं गाड़ी में, ठीक है। ये सेंसर लग चुका है, ठीक है, सेंसर लग दिया, लग चुका है, और सेंसर को कसा नहीं है अभी। तो गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, हम ही लगा रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो चाबी बंद करके ऑफ करके ऑन करके स्टार्ट करते हैं। जो सेल्फ लगाने पर जो चेक लाइट हमारी आ रही थी, अब वो देखते हैं चेक लाइट हमारी वापस से आती है या नहीं आती है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वापस से सेल्फ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एक बार फिर वापस से सेल्फ लगाते हैं बंद करके। ये गाड़ी हमारी परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सेल्फ लगाने वापस से जो कोड केएम सेंसर का आ रहा था, तो वो कोड देखते हैं इसमें वापस से कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। इंजन रीड फोल्ड कोड, तो इसमें जो केएम सेंसर का कोड आ रहा था वो कोड हमारा क्लियर हो चुका है, और गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नो फॉल्ट डाटा, ठीक है, और गाड़ी हमारी परफेक्ट तरीके से स्टार्ट है। इंजन में दिखाते हैं, ये रहा हमारा इंजन, गाड़ी हमारी परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।